Today, we will start exercise 20D. Cylinder, cone and sphere of chapter 20, surface and volume. Or we can say mensuration. First, some bache, a solid, ye bhi sphere aa gaya. Hai hai. Karne hi padenge bache. कोई बात नहीं तुम कर लो सर द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्फीयर सर हैज बीन रिड्यूस्ड यस ओके कोई बात नहीं फर्स्ट सम से कर लो ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 एक सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस कितना है 15 है इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस इसको मेल्ट किया और कोन में चेंज कर दिया जिसका रेडियस कितना है 2.5 है एंड हाइट कितनी है 8 है हाइट इज 8 एंड रेडियस इज दिस वन इसको कैपिटल आर ले लो बच्चे कैपिटल आर कैपिटल एच ही ले लो सेम क्वेश्चन में बच्चे दो वैल्यूज नहीं हो सकती स्मॉल आर नहीं यूज कर सकते क्योंकि डिफरेंट है वैल्यू सेम होगी तो यूज कर सकते हैं अब कोई चीज मेल्ट करके दूसरे में चेंज करें अदिति व्हाट शुड रिमेन्स द सेम सर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम यस मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के अदिति चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं बता देता हूं 4/3 πr³ होता है बेटा एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² बट कैपिटल आर एंड कैपिटल एच इस चीज का ध्यान रखना है निचले थ्री से बच्चे निचला थ्री कैंसिल हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया फोर आर की वैल्यू 15 है 15 का क्यूब कैपिटल आर 2.5 है 2.5 का स्क्वायर कैपिटल एच कितना है 8 है क्या फाइंड करना था एक मिनट नंबर ऑफ कोन अच्छा सॉरी इनटू इस टाइप के लेट एन कोन हमने बच्चे मेल्ट करके बना दिए तो वॉल्यूम ऑफ वन कोन इनटू एन एन क्या है नंबर ऑफ कोन्स एन की वैल्यू फाइंड करनी है एन एज लाइक अब 4 15 का क्यूब है 15 × 15 × 15 2.5 का क्यूब नीचे ले जाओ बच्चे 25 25 25 10 × 10 × 10 सॉरी बच्चे एन 2.5 का स्क्वायर है ना तो 2 × 2.5 मतलब 10 10 डेसिमल हटाया तो नीचे जाने के बजाय ऊपर चले जाएंगे अब कट करो सदफ बच्चे माइक ऑफ करो सदफ यस सॉरी टू 5 3s are 5 5s are 5 3s are 5 5s are 5 3s are 5 2s are 2 से 2 cancel what is left 3 3 3 and 10 that is n 3 3s are 9 3s are 27 × 10 270 such cones are formed this is the answer samjhe yes sir second sum आज काफी जने नहीं आए है ना फर्स्ट वाला वापस से रिपीट कर दीजिए बच्चे एक बड़ा सॉलिड स्फीयर था उसको मेल्ट किया और छोटे कॉन्स बना दिए इस साइज के तो कितने कॉन बनेंगे वो फाइंड करना है लेट एन कॉन्स आर फॉर्मड तो वॉल्यूम शुड रिमेन द सेम पूरे स्फीयर का वॉल्यूम किसके इक्वल जितने कॉन बनेंगे ऐसे उन सबके वॉल्यूम के इक्वल होगा तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉन इंटू एन इसके इक्वल ही होगा ना फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लगा दिया 4/3 पाई की वैल्यू पाई आर एच एन एन फाइंड करना है बेटा वो सारा कुछ उधर चला गया यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा यस सर सेकंड सम ए होलो स्फीयर ए होलो स्फीयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर External, internal and external diameter 4 and 8.
मैं कभी डायमीटर को डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज रेडियस को डिनोट करता हूं, है ना। ये तो पता चली क्या होगा, गिवन हमें डायमीटर है बट मैंने लिखा क्या है, रेडियस 2 and 4 ये लिख दिए। इज मेल्टेड इंटू कोन, इंटू अ कोन, एक कोन बना दिया मेल्ट करके, जिसका डायमीटर 8 है। रेडियस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको R1 ले लो। फाइंड द हाइट ऑफ कोन, हाइट फाइंड करनी है। मेटल तो यहीं पे है ना, जहां पे मैंने लाइंस लगा दी बच्चे अभी। अंदर से तो होलो है, तो मेटल तो यहीं पे है। वॉल्यूम ऑफ मेटल गरिमा कैसे निकलेगा सर? आउटर, आउटर माइनस इनर। वेरी गुड। मेटल इन स्फीयर, और ये पूरा का पूरा सॉलिड बनाया है, मतलब इसमें सारे में मेटल लगा है, इसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन के, यही होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द स्फीयर। ऐसे लिख दिया प्रॉपर, इस साइड वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर। वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर 4/3 pi R³, इंटीरियर 4/3 pi r³। किसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ कोन, गरिमा में फॉर्मूला भूल गया वॉल्यूम ऑफ कोन का, सर 1/3 pi r² h। ठीक है, यस सही लिखा है गरिमा, गलत है सर? R1 लिखना था बच्चे, R1 लिखा है ना रेडियस को, तो गलत हो जाएगा बच्चे, ये ध्यान रखना। अब यहां से 4/3 कॉमन है और पाई कॉमन है दोनों में से, व्हाट इज लेफ्ट, केपलर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। इस साइड 1/3 pi r² h, निचले 3 से निचला 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, वैल्यूज फिल करो। 4 एज लाइक कैपिटल आर बच्चे हमें कितना गिवन है, 4 का क्यूब, स्मॉल आर 2 का क्यूब, R1 4 का स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 into something something h 4, गरिमा 4 का क्यूब सर 64 माइनस 8, 4 का स्क्वायर नीचे ले जाओ, 4 into 4 लिख दो इज इक्वल टू h, एक 4 तो कैंसिल ही कर दो, 64 में से 8 माइनस करो, 56/4 एच की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, दैट इज द हाइट ऑफ कोन फॉर्म। किसी को बच्चे ये सब समझ ना आया हो? नो सर। आ गया बच्चे सबको? यस सर। नाउ नेक्स्ट सम, थर्ड सम, the radii of the internal and external surface of a metallic spherical shell, hollow sphere or spherical shell is the same thing, sphere bana diya bacche, internal and external radii, pehle last sum mein diameter given the, yahan pe radii given hai 3 and 5, naturally a smaller ka radius 3 hoga and bigger ka radius कैपिटल मतलब आर 5 होगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट। अब इसमें हाइट दे दी बच्चे कौन की, रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर मतलब रेडियस फाइंड करेंगे उसके बाद डायमीटर निकालेंगे। हाइट कितनी दी है इसकी, 32 दी है। R1 फाइंड करना है, इसके रेडियस को R1 ले लिया। नाउ वॉल्यूम, मेटल तो यही है ना, वही सेम क्वेश्चन, बस वहां पे H फाइंड किया था, यहाँ पे R1 फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ एक्सटीरियर दैट इज 4/3 pi R³ माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटीरियर जो एम्प्टी है 4/3 pi r³। वॉल्यूम ऑफ कोन, अर्शिया यस सर, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 pi r² h। गलत है, पाई आर वन, फिर से वही मिस्टेक हो रही है, देखो
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब 1/3 कॉमन लेके ऐसे कट कर देना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आर वन फाइन करना है, एच चलो बाद में वैल्यू फिल करते हैं, 3 से 3 पाई से पाई 4 कैपिटल आर 5 है, 5 का क्यूब 125, स्मॉल आर 3 है, 3 का क्यूब 27। आर वन फाइन करना है सेम टू सेम, एच 32 था वो नीचे ले गई, माइनस करो। अब पहले तो इसको कट कर दो, 125 में से 27 माइनस करेंगे 98 आ जाएगा, अपॉन 8 इज आर वन स्क्वायर, कट किया 49 अपॉन 4 2 के टेबल पे, आगे कट नहीं हो रहा। आर वन कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 बाय 4 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 का स्क्वायर रूट 2, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आ गया। बट उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर इज 2 टाइम रेडियस होता है। यस सर, आर की वैल्यू मैंने इसको डेसिमल में इसीलिए नहीं किया था बच्चे, 3.5 लिख सकता था मैंने, तभी नहीं लिखा था, मुझे पता था ये कट हो जाएगा। डायमीटर कितना आ गया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, दैट इज आंसर। नेक्स्ट सम जो हमारे पास है बच्चे, उसमें क्या है, उन्होंने बोला है हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन्स, 3 आइडेंटिकल कोन्स हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम साइज के, सेम सब कुछ, तीन कोन बना दिए मैंने आइडेंटिकल, जुड़वा तिड़वा। इन तीनों के वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन इज द सेम एज द बिगर वन कोन, इन तीनों के वॉल्यूम का सम किसके इक्वल, एक बड़ा कोन था उस कोन के वॉल्यूम के इक्वल है, जिसकी हाइट कितनी दी है, 9 दी है, एंड डायमीटर 40 है, रेडियस कितना दिया है, 20 दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच स्मॉलर कोन इफ हाइट ऑफ ईच इज 108 सेंटीमीटर, हर एक की हाइट कितनी है, 108। एक सेकंड बच्चे, यहां पे मुझे गलत लग रहा है क्वेश्चन ही, चलो ले लेते हैं। एच आर, इसको कैपिटल एच कैपिटल आर ले लो, तीनों के टोटल वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल है, उसकी हाइट 9 दी है, इसकी हाइट 108, बहुत ज्यादा दे दी। इसका आंसर चेक करना एक मिनट कितना आ रहा है, 20 डी का फोर्थ सम, हाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एक कोन का वॉल्यूम हंसिका, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3 कर दें, यस सर, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल थे, तीनों का इकट्ठा वॉल्यूम, तो इंटू 3 कर दिया, किसके इक्वल, इसके वॉल्यूम के इक्वल, सो 1/3 पाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, 1/3 से 1/3 पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल आर हमने फाइंड करना है, एच हमें 108 दिया हुआ है, 3 कैपिटल आर बच्चे 20 दिया हुआ है, 20 इंटू 20 कैपिटल एच 9 है, आर स्क्वायर 20 इंटू 20 इंटू 9 अपॉन 108 इंटू 3, 3 के टेबल पे कट हो गया, 3 आ गया, 3 3 9 36 आ गया बच्चे। यहाँ पे 4 के टेबल पे कट कर दो, 4 यहाँ पे 9, 100 अपॉन 9 आ गया, आर स्क्वायर 100 अपॉन 9 आ गया, एंड आर कितना आएगा, 10/3, 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस, अंडरस्टूड, समझे, यस सर, यस सर। फिफ्थ सम, ए सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल, a solid rectangular block of metal 49 by 50 44 by 18
जब भी इस टाइप से लिखा होता है बच्चे, जो पहली वैल्यू होती है वो लेंथ होती है, दूसरी वैल्यू ब्रेड्थ होती है, और तीसरी वैल्यू हाइट होती है. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों ले ली. मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड स्फीयर, किसमें चेंज कर दिया? सॉलिड स्फीयर में चेंज कर दिया. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर. सो वी कैन डू. यस सर. एक मिनट, एक मिनट. खुशी गुप्ता, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला? सो ये लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, LBH. एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 πr³. यस. लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, पाई पता है, आर की वैल्यू निकालनी है. अपने आप निकालोगे, निकल जाएगी ना? यस सर. यस सर. टेक सम. और हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 इज फुल ऑफ लिक्विड. इंटरनल रेडियस इसका 9 दिया हुआ है, वाटर से पूरी तरह फिल्ड है. This liquid is to be filled into conical shaped small containers. इस टाइप के कंटेनर्स हैं, स्मॉल कंटेनर्स. उनमें डालना है. डायमीटर 3 है, रेडियस कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा. एंड हाइट 4, इसको कैपिटल R और कैपिटल H ही ले लो, हाइट को इस 4. हाउ मेनी सच कंटेनर्स आर फॉर्म्ड? ऐसे कितने कंटेनर फिल होंगे? नंबर ऑफ कंटेनर्स फिल. सदफ बताओ बच्चे मुझे, कॉनिकल कंटेनर कितने फिल होंगे? सर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कौन? यस ऑर नो? सर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला? सर, 2/3 πr² पाई स्मॉल आर ही लिया ना बच्चे हेमिस्फीयर का, तो स्मॉल आर ही लेंगे. वॉल्यूम ऑफ वन कौन? 1/3 πr² H. इस चीज का बच्चे ध्यान रखना सारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ. निचले थ्री से निचला थ्री, पाई से पाई. 2, आर की वैल्यू कितनी है? 9 है. 9³ मतलब 9 × 9 × 9. कैपिटल आर कितना है? 3/2. एंड कैपिटल एच 4. कट करो एंड गेट द आंसर. 2 × 2 = 4 कट हो गया, 3 × 3 = 9 कट हो गया, 9 × 9 = 81, 2 = 162 is the number of contain small contain conical containers filled. Okay? Yes, sir. Yes, sir. 7th sum. A hemispherical bowl, diameter 7.2. फिगर जरूर बनाया करो बच्चे, फ्री हैंड से बना दो जैसे मैं बना रहा हूं. डायमीटर 7.2 है, रेडियस कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा. इस फिल्ड कंप्लीटली विद चॉकलेट सॉस. किससे भरी हुई है? चॉकलेट सॉस से भरी हुई है. इस पॉड इनटू इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8. रेडियस 4.8 है, इसको कैपिटल आर ले लिया. फाइंड द हाइट ऑफ कोन. पहले तो नंबर ऑफ कोन फाइंड करने थे, इसमें हाइट ऑफ कोन फाइंड करनी है. मतलब सारा का सारा एक में डाला है ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. इसका वॉल्यूम 2/3 πr³ एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² H. पाई से पाई, 2, स्मॉल आर की वैल्यू 3.6 है, कैपिटल आर 4.8 का स्क्वायर, कैपिटल एच. नाउ यू कैन फाइंड कैपिटल एच ना. Yes, sir. Yes, sir. ना करूं बच्चे, कर लोगे? Yes, yes. Yes, sir. Next sum, 8th. A solid cone. एक सॉलिड कोन है, रेडियस कितना दिया है उसका? 5 दिया है. हाइट कितनी दी है? 8 दी है. रेडियस एंड हाइट इज मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.5. छोटे छोटे स्फीयर बना दिए, हर एक का रेडियस कितना है? 0.5 है. इसको कैपिटल आर ले लो.
Find the number of sphere formed. Same. Yes, sir. We can do this question. Number of spheres. एक मिनट, एक लाइन लिख दूँ बस. Volume of cone. Upon volume of one sphere. 4/3 pi capital R cube. You can find number of spheres. Ninth sum. The total area of a solid metallic sphere is this. Solid. इसका radius square. इसका total surface area. Total area या दोनों सेम होते हैं स्फीयर के अंदर. टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन. कोन्स में चेंज कर दिया ऑफ रेडियस 2.5. रेक का रेडियस कितना है 2.5 कैपिटल आर. एंड हाइट 8. हाइट कितनी है 8 है. कैपिटल आर 2.5 and capital H is 8. Calculate the radius of solid sphere. Volume, total surface area ka formula hota hai 4 pi r square. 1 to 5, 6 ke equal. Kiske equal? 1 to 5, 6 ke equal. 4 pi 22/7. R as like 1 to 5, 6. You have to take 3.14. Oh, sorry, ek minute. Yeah. Dekha nahi tha, bachche. Ye mistake bhi hoti hai bahut bachon se. You can find R from here? Yes, sir. So then, volume of sphere upon volume of cone. Yes, sir. बाद बच्चे वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स रिकास्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन. देखो रेडियस जब आ जाएगा तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हो ना. फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब होता है सर. वो कोन का बता रही थी मैं. तो पहले ऊपर वाला तो चल पड़ने दे. पाई से पाई स्मॉल आर की वैल्यू बच्चे हम फाइंड कर लेंगे यहां से. और कैपिटल आर और कैपिटल एच हमें दिए हुए हैं. यू कैन डू इट. यस सर. हो जाएगा ना. यस सर. नाउ द टेंथ सम. टेंथ सम के अंदर बच्चे हमारे पास क्या है. ए सॉलिड मेटालिक कोन विद रेडियस 6. रेडियस कितना दिया है इसका 6 दिया है. हाइट कितनी दी है 10 दी है. इज मेड सम हैवी मेटल. इस टाइप से फिगर गिवन है तो उसी टाइप से बना लो. Radius 6 and height 10 is made some heavy metal in order to reduce its weight. A conical hole. मतलब ये exterior है बच्चे. ये total height है 10. इसका weight reduce करने के लिए इसके अंदर से एक cone निकाल दिया छोटा. Shown and is completely filled with a lighter metal beam. The conical hole has a diameter 6. ये capital R ले लो बच्चे. Inner radius. ये वाला कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा. ये 6 क्या है? पूरा का पूरा 6 है और इनर रेडियस 3 आ गया. एंड डेप्थ 4. ये टोटल कैपिटल एच ले लो और इनर एच स्मॉल एच 4 है. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए एंड वॉल्यूम ऑफ मेटल बी. मेटल ए बाहर रह गया अकेला यहां पे. वॉल्यूम ऑफ मेटल ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल बी. यही फाइंड करना है हमने. रेशियो का मतलब अपॉन. यस राघव. वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकालेंगे हम ए. नो माही गुप्ता. यस सर. वॉल्यूम ऑफ मेटल ए सर 1/3
pi capital R square h minus 1 by 3 pi small r square h. Small h. Yes, sir. आउटर क्योंकि मेटल जो ए है वो तो बाहर ही रह गया ना, ये वाला जहां पे लाइंस लगा रहा हूं मैं अभी, माइनस इनर अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल बी दैट इज इनर ओनली, पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच. ऊपर से बच्चे हमारे पास कॉमन लेके करेंगे, वन बाय थ्री पाई एंड कैपिटल एच इज कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नीचे बच्चे वन अपॉन कॉमन, सॉरी गलती हो गई, इंसान हूं सर. आर नहीं कटेगा बच्चे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर सिक्स है, सिक्स इंटू कैपिटल एच इज टेन, स्मॉल आर थ्री है बच्चे, थ्री इंटू स्मॉल एच फोर, नीचे स्मॉल आर थ्री इंटू थ्री स्मॉल एच इज फोर. कैलकुलेट कर लोगे, रेशो में आ जाएगा बच्चे आंसर हो जाएगा. यस सर. नेक्स्ट वन इज इलेवेंथ इज होलोस्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई आर. होलोस्फीयर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई हमें गिवन है, कितने सिक्स एंड एट, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स. वो पहले जैसा समझ में आ गया, अपने आप करोगे बच्चे. थर्ड सम की तरह है, सेम एज क्वेश्चन नंबर थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट ट्वेल्थ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज दिस, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू कोन ऑफ दिस एंड हाइट दिस. वही सेम नाइन्थ सम, सेम एज क्वेश्चन नंबर नाइन. यू कैन डू इट. यस सर. नाउ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी.